हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th का विस्टास बुक का सिक्स्थ लेसन करेंगे। ऑन द फेस ऑफ इट बाय सुसैन हिल। ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट का क्या मीनिंग है? ऑन द फेस ऑफ इट एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है किसी चीज को जब आप सुपरफिशियली ऊपरी तौर पे देखते हो तो उसका मीनिंग शायद कुछ और हो सकता है, और जब आप उसको डीपली पता करते हो, डीपली उसको चेक करते हो, तो उसका मीनिंग कुछ और हो सकता है। इसको बोलते हैं ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट इज दैट इज आप किसी चीज को ऊपरी तरीके से देख रहे हो, ऊपरी सतह से देख रहे हो, और एक उसको आप डीपली भी देख सकते हो। ये स्टोरी किस बारे में? बिल्कुल सिंपल स्टोरी है और ये प्ले है एक्चुअली, ठीक है। बाकी सब लेसन जो आपके हैं वो कहानियां हैं, ये प्ले है, नाटक। प्ले का मतलब ये है कि इसको स्टेज पर एनेक्ट किया जा सकता है, इसलिए आपने बुक में देखा होगा ये डायलॉग के फॉर्म्स में है। दो आदमी है, डेरी और लैम, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो आप एनेक्ट भी कर सकते हो इसको क्लास में। आप प्ले को एनेक्ट कर सकते हो, इसको नाटक को करके दिखा सकते हो। सो चूंकि ये प्ले है तो इसलिए क्वेश्चंस जो है इसमें कहीं से भी कुछ भी नहीं बनाए जा सकते। क्वेश्चंस की एक लिमिटेशन है क्योंकि उनके जो आपसी कन्वर्सेशन है उसमें हर लाइन से तो आप क्वेश्चन बना नहीं सकते। बेसिकली इसमें तीन ही क्वेश्चन बनेंगे। एक तो आपको डेरी का पता होना चाहिए करेक्टर स्केच, एक लैम का पता होना चाहिए, और एक थीम पता होनी चाहिए इसलिए प्ले की थीम क्या है। दैट्स इट, दीज थ्री थिंग्स। ये तीन क्वेश्चन पूरे करो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें आंसर्स निकल जाएंगे। और है ही नहीं इस लेसन में कुछ है। लेसन है किस बारे में? लेसन है जो डिसेबल्ड लोग होते हैं, ठीक, वो कितना अपने आप को आइसोलेटेड फील करते हैं, कितना लोनली फील करते हैं, बिकॉज पीपल फील पिटी टुवर्ड्स देम। लोग उन्हें दया की दृष्टि से देखते हैं या घृणा की दृष्टि से देखते हैं। जो भी डिसेबल्ड लोग हैं, या तो आप उसको दया दिखाते हो या घृणा दिखाते हो, जबकि दोनों वो चाहते नहीं है। वो क्या चाहते हैं? दे वॉन्टेड टू बी ट्रीटेड एज ह्यूमन बींग्स। वो चाहते हैं कि उन्हें ह्यूमन बींग्स की तरह ट्रीट किया जाए, उन्हें भी रिस्पेक्ट मिले, और बाकी लोगों की तरह दे शुड ऑल्सो बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू शो देयर पोटेंशियल। यस, दिस इज द थीम ऑफ दिस प्ले। सो टू से दिस प्ले हैज थ्री कैरेक्टर्स एंड थ्री सीन्स। थ्री कैरेक्टर्स एंड थ्री सीन्स। वन कैरेक्टर इज मिस्टर लैम, अनदर इज डेरी, एंड थर्ड वन इज डेरीज मदर, जिसका कोई खास रोल नहीं है, ठीक है। तीन कैरेक्टर है, तीन सीन है। पहला सीन जो है, फर्स्ट सीन और थर्ड सीन, दोनों सीन्स जो है लैम के गार्डन में फिल्माए गए हैं, और बीच वाला जो सीन है, सेकंड सीन है, वो डेरी के घर पे फिल्माया गया है। यस, ये तीन ही सीन्स हैं, तीन ही कैरेक्टर्स हैं। आइए स्टोरी को देखते हैं, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा मेन पॉइंट्स जो है। उससे पहले आइए एक बार स्टोरी को बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं उसका। देखिए, सीन जब स्टार्ट होता है, जब प्ले स्टार्ट होता है, तो लैम का गार्डन है। लैम, ये है मिस्टर लैम। मिस्टर लैम का गार्डन है। मिस्टर लैम एक 45 इयर्स मे बी और सो इसी के आसपास, इज एन ओल्ड मैन, इज एन ओल्ड मैन, एंड बच्चे उसको लैमी लैम करके, लैमी लैम करके चलाते हैं और बोलते हैं, उसको टीज करते हैं। बहुत सारी स्टोरीज है उसके बारे में, मिस्टर लैम के बारे में, उसकी टिन लेग है वगैरह वगैरह। सो लैम जो है, लैम एक आदमी है जो ओल्ड मैन है, वो अपने उसमें है, गार्डन घर में है, उसके घर के बाहर गार्डन है, वहां पे है। और तभी डेरी, डेरी जो एक 14 साल का बच्चा है, डेरी जो है वो कूद के और लैम के गार्डन के अंदर आ जाता है, ठीक है। जबकि हालांकि गेट खुले होते हैं लैम के गार्डन के, लेकिन फिर भी डेरी कूद के आता है, ठीक है। तो जब वो कूद के आता है तो डेरी सोचता है कि मुझे किसी ने नहीं देखा। डेरी एक 14 साल का लड़का है, डेरी एक 14 साल का लड़का है, मिस्टर लैम ओल्ड मैन है। डेरी सोचता है मुझे किसी ने नहीं देखा, लेकिन तभी सामने आ जाता है लैम, ठीक है, और एकदम से डर जाता है डेरी। डेरी बोलता है आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, मैंने सोचा कि ये एम्प्टी है, खाली घर, इट वॉज एन एम्प्टी हाउस। सो लैम बोलता है कि हाँ ये एम्प्टी हाउस ही है, क्योंकि मैं तो घर के अंदर था ही नहीं, मैं तो गार्डन में था, तो एम्प्टी हाउस ही है, ठीक है। द गेट इज ऑलवेज ओपन, दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, तुम चाहते तो गेट से भी आ सकते थे, तुम गार्डन की वॉल से कूद के आए। इस पर वो बताता है डेरी कि नहीं, मैं किसी चोरी के मकसद से नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ अंदर आना चाहता था, मैं यहाँ देखना चाहता था ये क्या है कैसा है। उसने अपनी एज बताई है 14 इयर्स। उसके बाद लैम बोलता है नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, ठीक है तुम कूद के आ गए हो, कोई चीज तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट ए गार्डन, जस्ट मी, सिर्फ एक गार्डन है और मैं हूं और क्या है, ठीक है, सो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। तो इस पर डेरी बोलता है कि मैं किसी से नहीं डरता हूं, मुझसे सब डरते हैं,
मुझसे सब डरते हैं क्यों, डेरी से सब क्यों डरते हैं? क्योंकि डेरी जो है वो 14 ईयर ओल्ड बॉय है, वन साइड ऑफ फेस बर्न्ड बाय एसिड, उसके चेहरे का एक हिस्सा जो है एसिड से जला हुआ है, ठीक है, इसलिए वो बोलता है कि मैं किससे नहीं डरता, लोग मुझसे डरते हैं। एक बार वो ये भी बताता है, व्हेन पीपल लुक एट मी, नो तुम भी यही सोच रहे होगे, व्हेन यू लुक एट मी तुम भी यही सोच रहे होगे कि दैट इज द अगलीस्ट थिंग आई हैव सीन, तुम भी मेरे बारे में ऐसा ही सोच रहे होगे कि मैं अगली हूं, ठीक है। इस बात पर लैम जो है वो बोलता है कि शाम को थोड़ी ठंड हो जाएगी और तुम आओगे क्या मेरे पास हेल्प करने, हम क्रैब एप्पल्स तोड़ेंगे, क्रैब एप्पल्स जंगली एप्पल्स तोड़ेंगे और मैं इनकी जेली बनाता हूं। तो डेरी बोलता है कि सब्जेक्ट चेंज मत करो, सब्जेक्ट चेंज मत करो, मेरा आधा फेस जला हुआ है, उसे देखकर तुम भी शॉक्ड हुए कि नहीं हुए, जैसे बाकी सब लोग शॉक्ड होते हैं, बाकी सब लोग डर जाते हैं, बाकी सब लोग हेट करते हैं, तुमने भी ऐसा ही किया कि नहीं किया है? तो बताता है, डेरी बताता है कि आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, मैं मुझे लोगों के साथ रहना घुलना मिलना उनके साथ अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि मेरी ये एक साइड जो है जो फेस है वो एसिड से जल गया था। तो लैम बोलता है कि शायद फायर से जल रहा था, तो वो बताता नहीं एसिड से जल गया था। अब उन्होंने वही टॉपिक स्टार्ट किया, तो लैम बोलता है आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी, मैं किसी, ये लाइन बहुत सुंदर है, आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी एनीथिंग, देयर इज नथिंग गॉड मेड दैट डज नॉट इंटरेस्ट मी, भगवान ने कोई ऐसी चीज नहीं बनाई है जिसमें मैं इंटरेस्ट ना लूं, तो इसलिए मैं तुम्हारे अंदर भी इंटरेस्ट ले रहा हूं। लैम बोलता है कि मैं डेरी को बोलता है कि तुम्हारे अंदर भी मुझे इंटरेस्ट है। फिर वो उसको कैसे समझाता है, डेरी होता है रमेश क्या मेरे जले हुए चेहरे में किसको इंटरेस्ट होगा है? क्या कहना चाहते हो तुम? फिर वो बोलता है लैम, देर इज अ फ्रूट, देर आर फ्लावर्स, देर आर ट्रीज, फ्रूट्स फ्लावर्स ट्रीज हर्ब्स, सब चीजें जो है ये बाहर से अलग दिखती हैं, अंदर से सब एक जैसी हैं। इट्स ऑल लाइफ ग्रोइंग, इट्स ऑल लाइफ ग्रोइंग, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, हर्ब्स हैं, वीड्स हैं, ट्रीज हैं, सब बाहर से अलग अलग हैं, अंदर से सब एक हैं, सबके अंदर जीवन है। ऐसे ही हम लोग बाहर से अलग अलग दिखते हैं, अंदर से हम सब एक हैं, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। तो डेरी बोलता है नहीं, वी आर नॉट द सेम, नहीं हम सब एक जैसे नहीं है। लैम बोलता है बिकॉज आई एम ओल्ड एंड यू आर यंग, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। नहीं, वो बताता है, फिर लैम बताता है कि मेरी भी टिन की लेग है, जैसे तुम हो तुम्हारा फेस जला हुआ, ऐसे ही मुझे भी समस्या है कि मेरी टिन की लेग है, मेरी जो लेग है वो वॉर में जो है उड़ गई थी माने मतलब घायल हो गई थी, कट गई थी, जो भी है, वॉर में, इट वॉज ब्लोन ऑफ, वर्ड दिया गया है, ईयर्स बैक, सालों साल, और बच्चे मुझे लैमी लैम होता है लंगड़ा लैम, लैमी लैम के नाम से चढ़ाते भी हैं, लैमी लैम मैंने लिखा भी था कहीं पे, अगर आपको दिख रहा हो तो ये रहा लैमी लैम, ठीक है, लंगड़ा लैम कह के चढ़ाते हैं। देयर इज अ सो बट पीपल, सम पीपल नोटिस इट, सम पीपल डोंट नोटिस इट, कुछ लोग मेरे टांग की तरफ ध्यान देते हैं, कुछ लोग नहीं देते, बिकॉज देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट, और संसार में बहुत चीजें हैं जिन पे ध्यान दिया जा सकता है, जिन्हें देखा जा सकता है, ठीक है। फिर एक बहुत सुंदर लाइन आई थी इसमें, इट्स ऑल रिलेटिव, ब्यूटी एंड द बीस्ट, ब्यूटी एंड द बीस्ट मैंने लिखी है ये, ब्यूटी एंड द बीस्ट, इसका चर्चा आता है ब्यूटी एंड द बीस्ट का, ब्यूटी एंड द बीस्ट का, इसमें एक छोटा क्वेश्चन आया हुआ है दो नंबर का, पहले तो उसमें ये आया था ब्यूटी एंड बीस्ट का यहाँ क्या रेफरेंस है, आप ये बता सकते हैं कि ब्यूटी एंड बीस्ट में क्या होता है कि उसमें स्टोरी कुछ ऐसे है कि एक ब्यूटी एक लड़की है और एक बीस्ट है ऐसे राक्षस टाइप आदमी है, वो लड़की उससे प्यार करने लगती है और वो किसी श्राप से की वजह से ऐसा था, बाद में वो प्रिंस बन जाता है, ठीक है, तो इस टाइप से कुछ पुरानी कहानी है। पॉइंट क्या है यहाँ पे कि ब्यूटी एंड द बीस्ट में वही समझाना चाहता है, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, अच्छा वो है जो अच्छे कर्म करे, सिर्फ बाहरी सुंदरता से कोई अच्छा नहीं होता, अच्छा कौन होता है जो अच्छे काम करे, हु इज इट्स नॉट वॉट यू लुक लाइक, आप कैसे दिखते हैं ये इतना महत्वपूर्ण है, इट्स वॉट यू आर इनसाइड, क्या महत्वपूर्ण है आप अंदर से कैसे हैं, ऐसा डेरी जो है और लैम की बातचीत चल रही है, ठीक है। फिर क्या होता है, हाँ वो मैंने आपको ब्यूटी एंड द बीस्ट वाली कहानी समझा दी, उसमें आप बता देना कि मॉन्स्ट्रस बीस्ट था एक बहुत बड़ा, और कैसे वो बाद में व्हेन द गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल किस्ड द बीस्ट, किस्ड
द बीस्ट किस करते ही वो प्रिंस में चेंज हो गया था, ठीक है। और फिर डैरी बोलता है कि नहीं, क्या है, मुझे तो कोई किस नहीं करता, ठीक है, मुझे तो सिर्फ मेरी मम्मी किस करती हैं, और मम्मी भी जो है वो भी जिस तरफ मेरा जला हुआ है उस तरफ किस नहीं करती, जिस तरफ नहीं जला हुआ उस तरफ किस करती है, जला हुआ उस साइड किस नहीं करती, और वो भी शायद किस सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि उनकी ड्यूटी है किस करना, बिकॉज शी इज माई मदर, शी डज बिकॉज शी हैज टू डू इट, वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उन्हें करना पड़ता है, मदर है, वो भी कभी मेरे जिस साइड जला हुआ है वहां पर किस नहीं करती, इट मीन शी ऑल्सो डज नॉट लव मी, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। और लोग मुझे तरह तरह से सांत्वना देते हैं, डैरी बोलता है। अब ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि लोग उसे कैसे सांत्वना देते हैं, नहीं, हाउ डू पीपल कंसोल हिम, डैरी को कैसे सांत्वना देते हैं उसका जो फेस जला उसे देखकर, वो बोलते हैं लुक एट ऑल, लोग ऐसा बोलते हैं मुझे कि लुक एट ऑल दोज पीपल हु आर इन पेन, बाकी लोगों को देखो कितने कष्ट में है, ठीक है, एंड ब्रेव एंड नेवर क्राई, और वो कभी रोते नहीं है इस बात पे, एंड नेवर कंप्लेन, और कभी कंप्लेन नहीं करते, एंड डोंट फील सॉरी फॉर themselves, ठीक है। और क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम उन लोगों से तो अच्छे ही हो जो अंधे हो जाते हैं, ठीक है, जो डेफ पैदा होते हैं, बहरे पैदा होते हैं, ठीक है, जो सारी उम्र व्हील चेयर पे चलते हैं, जो दिमागी रूप से कमजोर हो जाते हैं, ऐसा ये सब बातें कह कह के मुझे डैरी को समझाते हैं लोग कि तुझे अपने आप को कंसोल करना चाहिए। जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में यही कहते हैं कि अपने से छोटे वाले को, अपने से नीचे वाले को, अपने से ज्यादा दुखी वाले आदमी को देखना चाहिए तो आप संतुष्ट रह सकते हो, नहीं तो कभी संतुष्ट नहीं रह सकते, नहीं, यू वो एक कोटेशन है, यू आर नेवर सेटिस्फाइड विद अ पेयर ऑफ शूज अनलेस यू सी समबडी हु हैज नो लेग्स, नहीं, जब तक आप किसी ऐसे आदमी को नहीं देख लेते जिसके दोनों टांगे नहीं है तब तक आपको समझ नहीं आता ये जूते अच्छे हैं, नहीं इनसे ये अच्छे, इनसे ये अच्छे, इनसे ये अच्छे, जिस दिन आप किसी आदमी को देखते हो जिसकी टांगे नहीं है तब आप कहते हो यार ठीक है, जो है ठीक है, बहुत है, भगवान का दिया हुआ बहुत है, ऐसा लोग उसको समझाने की कोशिश करते हैं। That's a terrible thing. अच्छा, एक बार क्या हुआ ना, दो विमेन थी, डैरी बोलता है एक बार दो महिलाओं को मैंने बात करते हुए सुना, दो विमेन को बात करते हुए सुना, उसमें से एक विमेन क्या कह रही थी कि हाउ अगली, कितना टेरिबल फेस है, व्हाट अ टेरिबल थिंग, कितना टेरिबल फेस है इस लड़के का, ओनली अ मदर कुड लव, सिर्फ कोई माँ ही ऐसे भयानक चेहरे से प्यार कर सकती है और तो कोई इससे प्यार नहीं कर सकता, तो आप देखिए कितना उसको ये बात चुभी होगी, कितना हर्ट हुई होगी, इस प्रकार से वो बेचारा ताने सहता रहा है हमेशा, ठीक है। अब इसको मोटिवेट करने के लिए लैम जो है एक एनेक्डोट सुनाता है, ये देखिए एनेक्डोट, लैम जो है एक पूरे लेसन में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं होगा जो बोर्ड पे नहीं लिखा होगा, कीवर्ड्स को मैं एक को भी नहीं छोड़ता, कीवर्ड्स को पक्का लिखता हूं, ये एक एक वर्ड अपने आप में पूरा एक एक क्वेश्चन है, ठीक है, पूरा एक एक पेज है, अब ये एनेक्डोट ही समझ लीजिए, इसी से आपको सारी बात याद आ जाएगी। लैम जो है वो एक कहानी सुनाता है उसको मोटिवेट करने के लिए, लैम कौन, वो बुढ़ा आदमी, उस लड़के को, जवान लड़के को मोटिवेट करने के लिए कहानी सुनाता है, अच्छा ठीक है तुम ऐसा डरते हो, ठीक है, क्या हुआ कि एक बार, कहानी सुनाता है लैम कि एक बार एक आदमी था, ठीक है, वो भी ऐसे ही डरता रहता था, ठीक, सो व्हाट ही डिड, उसने अपने आप को ना अपने कमरे के अंदर बंद कर लिया, अब उसने अपने आप को कमरे के अंदर बंद क्यों कर लिया, क्योंकि उसे डर लगता था ए बस माइट रन, हो सकता है कोई बस कहीं मुझे कोई कुचल ना दे अगर मैं बाहर जाऊंगा तो, ना, और हो सकता है वहां पे मैं लोगों से मिलूंगा तो कुछ लोग डेडली जर्म्स जो है उनके मुंह से मेरे मुंह में आ जाएंगे और मेरी मौत ना हो जाए, ठीक है, ऐसा ना हो कि कोई डोंकी मुझे लात मार दे और मैं मर जाऊं, ठीक है, ऐसा ना हो कि कहीं बिजली कड़के और मेरे ऊपर गिर जाए और मैं मर जाऊं, ठीक है, ऐसा ना हो कि मैं किसी लड़की से प्यार करूं और बाद में वो लड़की मुझे धोखा दे दे, मुझे छोड़ दे, ठीक है, इसलिए वो बाहर नहीं जाता, फिर वो सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई केले के छिलके से मैं फिसलूं गिरूं और मेरी मृत्यु हो जाए, इसलिए उसने इन सब डर से अपने आप को कमरे के अंदर ही बंद कर लिया कि बाहर जाऊंगा तो ये पॉसिबिलिटी मेरे साथ हो सकती है तो मैं कमरे के अंदर ही रहूंगा आपसे, कमरा उसने बंद कर लिया, लॉक कर लिया, एंड ही गॉट इनटू हिज बेड, और अपने बेड पे बैठ गया कि बाहर ही नहीं जाएगा तो कोई समस्या ही नहीं है। तभी क्या होता है, ऊपर से एक सीनरी होती है, जैसे ये घड़ी लगी हुई है मेरे, इसमें एक सीनरी होती है, जैसे बोर्ड लगा हुआ है, ये धड़ाम से नीचे गिरता है और उस आदमी के सिर पे लगता है और वो आदमी वहीं मर जाता है, ठीक। तो इस कहानी से हमें क्या पता चलती है कि अनावश्यक रूप से चीजों से डरने का कोई लाभ नहीं है, इरेशनली इलॉजिकली आप किसी चीज से डर रहे हो तो उसका कोई तुक नहीं बनता। ये एक एनेक्डोट सुनाया गया है, एनेक्डोट आप समझते हैं, एनेक्डोट बोलते हैं बिल्कुल छोटी सी स्टोरी को, बहुत कोई छोटी इवेंट या स्टोरी जो कि सत्य घटनाओं पर आधारित हो उसको बोलते हैं एनेक्डोट, एनेक्डोट सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। चलिए, ये सब बातें उसने बताई,
उसके बाद वो बातें करते रहे, डैरी बताता है, डैरी पूछता है लैम से कि तुम करते क्या हो, ठीक है। तो वो बताता है कि मैं जो है सिट इन द सन, सूरज की रोशनी में बैठता हूँ, आई रीड बुक्स, किताबें पढ़ता हूँ, और देखो मेरे घर में ना कर्टेंस नहीं है, विंडोज पे मैं कर्टेंस नहीं लगाता हूँ, नहीं, और मैं तो खिड़कियां भी बंद नहीं रखता हूँ, आई वॉन्ट द फ्रेश एयर टू कम इन, द विंड टू कम इन, यस आई डोंट लाइक डार्कनेस, आई वॉन्ट द नेचर टू एंजॉय द नेचर, ठीक है। फिर लैम्प दूसरी बार उसको कैसे एक ब्यूटी एंड द बीस्ट का एग्जाम्पल है, एक एनेक्डोट का एग्जाम्पल है, और एक थर्ड एग्जाम्पल जो है वो भी मैंने लिखा हुआ, ये देखिए डेरी को कैसे मोटिवेट करता है, डेरी को कैसे मोटिवेट करता है, लैम्प बोलता है, डेरी यू हैव टू आर्म्स, टू लेग्स, आईज, ईयर्स, टंग एंड ब्रेन, ठीक। तो क्या हुआ कि तुम्हारा चेहरा थोड़ा सा जला हुआ है, तुम्हारे पास दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो आंखें हैं, कान है, टंग है, ब्रेन है, बुद्धि है, एंड ऑल द रेस्ट, और सारी चीजें जो होनी चाहिए, और अगर तुम इनका इस्तेमाल करो तो तुम बाकी आम आदमियों से इवन बेटर भी कर सकते हो, ठीक है। ये बात सुन के उसके मन में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, डैरी के मन में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। फिर वो पूछता है, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, डैरी उससे पूछता है लैम्प से कि तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, बोला बहुत सारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, इसमें आते रहते हैं, मेरे गार्डन में आते रहते हैं और जाते रहते हैं, ठीक है। तो बोला ऐसे आते रहते हैं जाते रहते हैं वो कोई फ्रेंड्स थोड़े होते हैं, मैं तो तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूं। तो वो बोलता है, मिस्टर लैम्प बोलता है, यस यू आर ऑल्सो माई फ्रेंड, तुम भी मेरे फ्रेंड हो, और फ्रेंड क्या होता है, ठीक है, यू कुड टेल मी, बोला तुम्हें मेरा नाम भी नहीं पता तो भाई नाम बता दो, ठीक। इस प्रकार से वो बातचीत करते रहते हैं, उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है। फिर वो बोलता है कि नहीं, डैरी बोलता है कि कुछ लोग हैं, आई हेट देम, आई हेट सम पीपल, इस संसार में जो भी प्राणी है, ठीक है, अगर उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी तो अलग बात है, नहीं तो वो किसी न किसी से प्यार करता ही है, और प्यार ये तो हो सकता है कि कोई किसी से भी प्यार ना करता हो, पर ये बहुत मुश्किल है कि कोई किसी से भी हेट ना करता हो, ठीक, हर आदमी किसी न किसी से हेट करता ही है। तो ये डैरी बोलता है कि आई ऑल्सो हेट, हालांकि करनी नहीं चाहिए, वो सबको पता है, लेकिन करता है, करता है, जब तक कि उसे बहुत ज्यादा ज्ञान ना हो गया हो, करता है, सामान्य आदमी करता है। आई हेट, मैं कुछ लोगों से घृणा करता हूं, लेकिन लैम्पी क्या बोलता है, लैम्पी लैम्प क्या बोलता है, ये जो है जो तुम किसी से घृणा करते हो, इट कैन हार्म यू मोर देन द बॉटल ऑफ एसिड, वो एसिड की बॉटल इतनी खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक ये है। जब आप किसी से घृणा करते हो, जब आप किसी से हेट्रेड करते हो, तो उसका नुकसान कम और आपका नुकसान ज्यादा है, और इतना ज्यादा है कि एसिड की बोतल भी आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकती जितना आप इससे हेट करते हो, तब आप खुद को नुकसान पहुंचाते हो, ऐसा लैम्प डेरी को समझाता है। ओ, अब डेरी जो है ही लाइक दिस प्लेस, ही स्टार्ट्स लाइकिंग दिस प्लेस, यहाँ पे उससे पूछता है कि कैसा कैसी जगह तुम्हें पसंद है, डेरी बताता है कि ऐसी जगह पसंद है मुझे जहां पे कर्टेंस ना हो, जहां पे गार्डन हो। तो मिस्टर लैम्प बोलता है द गेट इज ऑलवेज ओपन, तो गेट तो हमेशा खुला ही है, ठीक है, और ये जगह ये तुम्हारी है। डैरी बोलता है मेरी नहीं है, तो वो बोलता है तुम्हारी है, एवरीथिंग इज योर्स, सब कुछ तुम्हारा ही है, इफ यू वांट, तुम चाहो तो ये सब कुछ तुम्हारा है, व्हाट इज माइन इज एनीबॉडीज, जो मेरा है वो किसी का भी है, अर्थात सबका है। कितना मतलब सुंदर विचार है लैम्प के, ऐसा बोलते हैं, और वो बताता है लैम्प के बच्चे मुझे लैम्पी लैम्प कहते रहते हैं, और वही बच्चे बाद में गार्डन में खेलने भी आते हैं, इट्स अ गेम, ये चलता है, नहीं तो ऐसा नहीं है। तो मतलब क्या, ये सारी चीजें बता बता के धीरे धीरे जो है वो उसको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर ले आता है, एंड नाउ डेरी फील्स बेटर, उसको अच्छा लगता है, पहली बार उसे कोई आदमी मिला है जो उसे उसको देख के शॉक नहीं है, उसको देख के डरा नहीं है, जो उसको पिटी नहीं दिखा रहा, जो उसको दया भाव नहीं दिखा रहा, जो उसको हेट्रेड नहीं दिखा रहा, जो उसको बिल्कुल नॉर्मल ट्रीट कर रहा है और बिल्कुल पॉजिटिव ट्रीट कर रहा है, उसकी बातें उसे बहुत अच्छी लग रही है। आई एम 14, अच्छा अब मैं जाऊंगा, लेकिन मैं शाम को वापस आ जाऊंगा, आपको जो ना ये सेब तुड़वाने में मदद करने के लिए मैं शाम को वापस आ जाऊंगा, लेकिन मुझे घर बताना पड़ेगा, ठीक है। आई एम 14 एंड स्टिल दे वांट मी टू नो, दे वांट टू नो वेयर आई एम, मैं 14 साल का हो गया हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन फिर भी मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं बताऊं उनको कि मैं कहाँ गया हूँ। तो आई गो, मैं जाऊँगा घर, आई टेल देम, मैं उनको बताऊंगा, 3 miles, 3 miles का डिस्टेंस है, मैं उनको बता के घर पे और फिर वापस आ जाऊंगा आपसे आपके पास, ऐसा बोल के वो जाएगा, ठीक है। वॉचिंग लिसनिंग सिटिंग हेयर एंड गोइंग देयर, आई हैव टू सी द बीज, यहाँ बैठ के मेरे को बीज को देखना है।
20 को देखूंगा। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, बट आई विल कम, मैं जा रहा हूं लेकिन मैं वापस आऊंगा, जरूर वापस आऊंगा। यू सी आई विल रन एंड आई विल कम बैक। लैम क्या बोलता है? लैम बहुत अच्छी बात बोलता है, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। जब डेरी बोलता है कि मैं जा रहा हूं और मैं वापस आऊंगा, इस बात पे लैम कुछ बोलेगा जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, इस पर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लैम बोलता है वी ऑल नो आई विल कम बैक, दे नेवर डू। आई विल कम बैक, दे नेवर डू, दो नॉट देम, नेवर डू कम बैक। ठीक, ये लाइन जब डेरी जा रहा होता है तो लैम उसको बोलता है कि सब लोग जो जाने वाले हैं वो यही कहते हैं कि मैं वापस आऊंगा, लेकिन वो कभी वापस नहीं आते, कोई मेरे पास वापस नहीं आता। ये घटना क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि लैम कितना लोनली है। बहुत पॉजिटिव आदमी है लेकिन फिर भी अंदर से वो बहुत लोनली है, बहुत अकेला है, बहुत उदास है बेचारा, क्योंकि शायद कोई भी उसका अपना नहीं है, इसलिए वो गेट भी खुले रखता है, कोई भी आ जाए उसी से प्यार करता है, लेकिन शायद कोई उससे प्यार नहीं करता, इसलिए वो बहुत लोनली फील कर रहा है, बहुत डिसअपॉइंटेड फील कर रहा है, बहुत अकेला महसूस कर रहा है, बहुत दुखी महसूस कर रहा है, लोग छोड़ के चले जाते हैं, कोई आता नहीं। चलिए, अब सीन तो ऑब्वियसली कहाँ होगा, अब वो अपने घर पहुंच जाएगा, डैडी के घर पहुंचेगा, वो अपनी मदर को बताता है कि मदर ऐसे ऐसे लैम ही लैम है, मैं उसके पास रहूंगा और मुझे वहां रहना अच्छा लगता है। तो मदर उसको बताती है तुमने उसके बारे में सुना नहीं क्या, उसके बारे में बहुत सारी स्टोरीज चली हुई है, एज दैट इज नॉट अ गुड मैन है। अब वो बोलता है मुझे वहां पे बीज देखनी है और मुझे गार्डन में रहना है और मुझे वहीं अच्छा लगता है, मैं वहीं रहूंगा। ठीक है, कितना भी उसकी माँ समझाती रहती है लेकिन वो मानता नहीं है, और मुझे उसे हेल्प भी और मुझे उसे हेल्प भी कर रहा है क्रैब एप्पल्स को तोड़ने में, वो जैम बनाएगा। मम्मी समझाने की कोशिश करती है पर वो मानता नहीं, चली जाती है। जब वो पहुंचता है, थर्ड सीन, अब वापस जब पहुंच जाएगा वो गार्डन में, तो गार्डन में पहुंच के देखेगा कि जो लैम था वो सीढ़ी से लेडर से गिर के नीचे पड़ा होता है, वो उसको जाके चेक करता है तो वो मर चुका होता है। लैम जो था वो सीढ़ी पे चढ़ के शायद सेब तोड़ रहा था, एप्पल्स तोड़ रहा था, लेकिन वो गिर गया और मर गया। यहाँ पे स्टोरी खत्म हो जाती है। होपफुली आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। देखिए, तीन क्वेश्चंस को एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। लैम्प के बारे में पूछे तो आपको क्या बताना है? लैम्प इज एन ओल्ड मैन, उसको लैमी लैम्प बच्चे बोलते हैं, चिढ़ाते हैं वो, उसके बारे में बहुत सारी स्टोरीज मशहूर हैं। ही हैज अ टिन लैग, उसका एक पैर टिन का है। ठीक है, लिव्स एन ओल्ड, अकेला रहता है बेचारा, उस हाउस हैज अ गार्डन, उसके घर के बाहर गार्डन भी है। He fills dairy with self-confidence. वो डेरी में कॉन्फिडेंस भरता है। बस ये लैम का परिचय हो गया। कैसे कॉन्फिडेंस भरता है? By saying dairy has two arms. ये कहकर कि डेरी के two arms है, two legs है, two eyes है, and he has a tongue and a brain and he can do anything in life. ये लैम के बारे में है। फिर डेरी के बारे में पूछें। डेरी के बारे में क्वेश्चन आता है तो आप बताइएगा, 14 ईयर ओल्ड है, वन साइड फेस बर्न्ड बाय एसिड है, सफर्स फ्रॉम इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, वो किससे मिलना नहीं चाहता, किससे बात नहीं करना चाहता। लैम टॉक्स टू हिम लविंगली, लैम उससे प्यार से बात करता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। एंड सो ही वांट्स टू स्टे विद लैम, इसलिए वो लैम के साथ ही रहना चाहता है। थीम क्या है इसमें, स्टोरी क्या है? थीम है जो डिसेबल्ड लोग हैं, ठीक है, वो कितना लोनली फील करते हैं। ठीक है, दे फील आइसोलेटेड, वो अपने आप को मेन स्ट्रीम जो समाज है उससे आइसोलेटेड फील करते हैं, कटा हुआ महसूस करते हैं, अलग थलग फील करते हैं। ठीक है, दे फील वेरी लोनली, उनको लोग या तो पिटी दिखाते हैं, या तो उनके दया दिखाते हैं, या उन्हें घृणा दिखाते हैं, कोई उन्हें अपनाता नहीं है, अपना नहीं मानता, उन्हें नॉर्मल ट्रीट नहीं करता, उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देता, दैट्स व्हाई दे फील लोनली। और ये चीजें मेंटल पेन व्हेन दे आर कॉन्स्टेंटली रिमाइंडेड ऑफ देयर डिसेबिलिटी, लोग उन्हें बार बार याद दिलाते रहते हैं दैट यू आर नॉट नॉर्मल, तुम डिसेबल्ड हो, ये चीज उन्हें चुभती है। जैसे डैडी को सब याद दिलाते रहते हैं कि उसका चेहरा जो है जला हुआ है, क्यों याद दिलाते हैं, वो चीज उसको चुभती है, पिटी शो करते हैं। ठीक है, सो कैसा उनका संसार है और हमें कैसे उन्हें ट्रीट करना चाहिए, और ये लेसन उनके लिए भी है जो इम्पेयर्ड है, जो डिसेबल्ड है, उनके लिए भी एक लेसन है कि कैसे वो अपनी डिसेबिलिटी से ऊपर उठ के एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। देखिए, आप इसमें मिस्टर लैम भी है और मिस्टर डेरी भी है, डेरी और लैम दोनों ही डिसेबल्ड है, लैम की टांग नहीं है और डेरी का एक साइड जला हुआ है, लेकिन आप देखेंगे कि लैम का जो जीने का तरीका है और जो सोचने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है, वो पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है, और डेरी का जो सोचने का तरीका है जीवन की तरफ वो नेगेटिव है, लेकिन लैम उसको समझा देता है तो डेरी भी पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ ही डजंट केयर what people think, what people say, now he is okay. At the end of the story, he is also very positive, full of energy. Yes,
थीम में फिर हम देखते हैं ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी आई है, वो आप याद रखेंगे, जिसका अर्थ है हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, अच्छा वो जो अच्छे काम करे। फिर एक एनेक्डोट आया, एक आदमी ने कैसे अपने आप को कमरे में बंद कर लिया कि बाहर ये खतरा है ये खतरा है ये खतरा है, और घर में ही ऊपर से सीनरी उसके सिर में गिरी और घर में ही मर गया, ठीक है, तो मतलब खतरा वहां भी है। तीन करेक्टर है, तीन सीन्स है, ठीक है। सीन वन लैम्प के गार्डन में है, टू डेयरी हाउस में है, और थ्री भी लैम्प के गार्डन में है। दैट वॉज ऑल फॉर द डे, थैंक यू।